और तुम होके उस छोटे से डिब्बे में अटके पड़े हो। लोग बोले तो कितने भी बेवकूफ हो, फोन स्मार्ट होना चाहिए, isn't it? तुमसे बहस ही क्यों करती हूँ? तो मत करो ना। क्या कलाकारी है, क्या सोच होगी तराशने वाले की। होड़ देखो, ऐसे लगता है कि अभी बोल देंगे। आंखों की गहराई देखो क्षितिज, बड़े दिल से बनाई होगी तराशने वाले ने। इसमें जान फूंक दो, अभी शादी के लिए तैयार हो जाता हूं। दुखी, तुम ऐसी बातें अगर किसी लड़की से कहोगे ना तो फिदा हो जाएगी तुम पर। इसीलिए तो नहीं कहता, पत्थरों तक ठीक है। कौन है? अब मामा बोल रहा है तो मेरा नाना तो नहीं होगा, भांजा ही होगा। I'll be back in a minute. क्या चल रहा है? फ्रीलांसिंग ढूंढ रहा हूँ। अच्छा है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, नहीं तो एक तो लोग मरते, नहीं तो ब्रिज गिरते। यहाँ कैसे आया? यहाँ मिलने तेरा बाप भी नहीं आया कभी मुझे। गोवा है, ये न्यू ईयर है, आप चल नौटंकी बंद कर, लड़की का चक्कर होगा। एक हफ्ते में ना, मतलब आई लव यू, लेट्स कडल बेबी, स्पून ब्ला ब्ला। अरे मैं भागा या? मेरे को घुटन हो रहा था वहाँ। गले लगाता है तो घुटन नहीं होती? शायद चखना है तो मधुमक्खी डंग तो मारेगी, इसलिए हमने आज तक नहीं चखा। चखा तो है मामा। बकवास मत कर। शहद, हनी, याद दिलाओ, वैष्णवी आंटी, पड़ोस वाली, और बताओ, मम्मी ने सारी कहानी बताई मेरे को। कुछ कहानी नहीं यार, हाँ अच्छी लगती थी लेकिन कभी बोला नहीं मैंने उसको। अरे क्यों क्यों नहीं बोला, कैसा पट्टू है रे तू मामा। अच्छा मामा रोक रोक रोक, वो कॉफी लेना मेरे को। मामा रोक ना मामा। दो मिनट मिला दो। Sounds really so boring. किस एंगल से मैं सीनियर सोसाइटी की लगती हूँ? चल ना, सैम का बहुत मन है। I've been to these places. 1950s के बाद का कोई सॉन्ग नहीं बचता है वहाँ पे. It's piss boring. It's okay, I'm cool. When did you make love last? When did you have sex? क्यों पर? Just wanna know. Tell me. उसको बहुत टाइम हो गया. It's been years. Are you for real? Nikki, मेरी पूरी लाइफ ना सेक्स पे डिपेंड नहीं करती। There are other things in life. How divine. घूर रहा है लंगूर की तरह। So annoying यार। Cute है क्या? पागल है क्या? ऐसे मुड़ के मत देख। Okay, okay. अभी स्माइल भी कर रहा है। You also smile. मुझे ना ऐसे जल्दबाजी करने वाले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल, जल्दबाजी करने वाले पसंद नहीं है, देर करने वाले बोर करते हैं, सो डिमांडिंग। हो गया तेरा लेक्चर, अब चले। बिल पे द काम उसको भेज देते हैं ना, इतना तो कर ही सकता है तेरे लिए। What? Nice one. Yeah.
ए बावर्ची सुनाई नहीं देता, बहरा है, गुंगा भी है, अंधा तो नहीं है, ये ले। आधी की करी बनाना, आधी को फ्राई करना, कुरकुरी कड़क एकदम, समझा? फ्राई कर, करी कर, कच्चा खा जा, मेरे को मत बोल। मतलब? ब्राह्मण हूँ, मांस मछली नहीं बनाऊंगा। तो फिर कौन बनाएगा ये सब? खाना किसको है? तेरे को, तू बना। पहले क्यों नहीं बताया तूने? पूछा क्यों नहीं पहले? मांस मछली नहीं बनाऊंगा, हाँ? अब देखता हूँ कैसे नहीं बनाएगा। तू क्या? तुझा तो बावरची, त्याला सांगून ठेव नीट, डोक्यावर चढून बसलाय तो माझा। बड़े मिया, बिन बुलाए मेहमान आए है, क्या पकाएगा? तुका भाऊ, मार्केट से फ्रेश चोड़क लाया, हाफ फ्राई हाफ करी। अबे तेरा बाप लेकर आए बोल दे। क्यों, क्या हो गया? अरे मी अंड लेते क्या, चोड़क अंड ले मने। अभी कहा गया तेरे अंदर का ब्राह्मण? ए सिद्धार्थ, बिन बुलाए मेहमान का मस्त। अचानक कैसे, बताया नहीं पागल ने तू आ रहा है? ए बिल्कुला मेहमान का सरप्राइज। हाँ अभी वार्म अप हो गया, अभी क्या करने का है, आज 31st है, न्यू ईयर है, गोवा है, मैं इसलिए आया हूँ। दिलीप साहब ऐसे कोर्ट पे सोए हुए जख्मी हैं, आंखों में दुनिया भर का दर्द, लग रहा है कि ये बंदा कलेजा फट जाएगा, मर जाएगा अगर मधुबाला जी नहीं मिलेगी उनको। दूसरी जगह मधुबाला जी ऐसे नदी के किनारे कुछ आंखों में आंसू है बाकी, अरे कमाल का प्यार, कोई छुए नहीं कुछ नहीं, लगता था क्या प्यार करते एक दूसरे से। Oh Nicole, why are you sitting here? All the young boys are here. Go dance with them. I'll join. Okay. All the young boys. Young boys. मामा, तू इतना रोमांटिक बातें बोला, लेकिन वैष्णवी आंटी को आई लव यू नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? दुनिया में सबसे थर्ड रेट लाइन है ये, आई लव यू। व्हाट डज इट मीन आई लव यू? जो भी कहता है ना आई लव यू, ही इज फ्रॉड, शी इज फ्रॉड। अगर प्यार करते हो ये स्क्रॉल आता है यहाँ आई लव यू, दूसरा जो है प्यार करने वाला उसके दिल में ताकत होनी चाहिए वो पढ़ने की। व्हाट इज दिस आई लव यू, इडियट। होली शिट, क्या हुआ शौनक? निक्की, 2 हफ्ते हो गए हैं यार ब्रेकअप को। 13 दिन हुए, 2 हफ्ते नहीं हुए। छोड़ना अभी, बोलता था मेरे बिना 1 दिन नहीं रह सकता। नाउ लुक, लुक हाउ हैप्पी ही लुक्स विद दिस पिच। व्हाट द हेल इज ही वेयरिंग? ओके ओके फाइन। क्या निक्की, वो लुक दे, मुंह बंद कर, स्टमकिंग चेस्ट आउट, लुक अ लिटिल हैप्पी, क्या कर रही है यार तू? निकी, हाय, एक्सक्यूज, नो, डोंट इवन बॉदर, एटलीस्ट नंबर, ना अपना नाम बताना ना मेरा नंबर पूछना। I am ए, डोंट बी अ क्रीप यार, गो। निकी क्या कर रही है? 20 likes ऑलरेडी। हमारा बाप दिन में, तेरा नाना दिन में 44 किलोमीटर साइकिल चलाता था,
हालांकि 22 किलोमीटर में उसका हो सकता था, लेकिन खाना खाने को घर को आता था। फिर बूढ़ा बूढ़ी बैठ के खा रहे, कुछ बोल नहीं रहे एक दूसरे से। कभी कभार पूछती थी मूंगफली की चटनी दो, कभी बोला हाँ ना, खाना खाया, मुंह धोया, हाथ धोया, माँ के पल्लू को पोछ दिया। पोछते पोछते उसमें शायद लपेटते होंगे आई लव यू। Never said I can't live without you. माँ मर गई, 13वें दिन पिंडदान करते हुए बाप मर गया। Bond. Oh my God. When did I come and dance? What are you doing sitting here? Nikki, New Year's पे इतना गुस्सा करने से क्या मिला तेरे को? अरे यार, मैं नहीं चाहती कि उसको लगे कि मैं New Year's पे अकेली हूँ। अकेले होने से क्या फर्क पड़ता है यार? मैं नहीं चाहती मैं तेरी तरह अपनी उम्र का अंदाजा बर्थडे कैंडल से लगाऊं। आई मीन, खुद ही अपना केक अकेले बेक करके, खुद ही उसमें कैंडल्स लगा के अकेले ही उसको बुझा दो ना। निकोल, इट्स ओके, सॉरी। नो, इट्स फाइन। आई डिडंट मीन इट यार। सोचते नहीं बोलने से पहले, जो भी मन में आया बस बोल देते। Good morning, Goa. This is your favorite RJ, Madhura. Wishing you a very... No. Madhura, energy, please, energy, huh? Good morning, Goa. आप सुन रहे हैं आपकी फेवरेट आरजे मधुरा को। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आपको नए साल की मधुरा प्लीज ट्राई इट अगेन, क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग गोवा, आप सुन रहे हैं आपकी फेवरेट आरजे मधुरा। मधुरा कल रात को ज्यादा पी थी, हैंगओवर है। यू नो व्हाट, टेक अ ब्रेक। Take a break, yeah? आलू परांठा ऑर्डर किया था ना? हाँ, वो पम्मी का ढाबा, उसका नंबर फॉरवर्ड करना प्लीज। वाह, परखने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। उधर क्या देख रहा है? ये सनबात ले रही है, वो देख, आंखें कितनी एक्सप्रेसिव है, लग रहा है मुझे कुछ कह रही है ना? हालांकि उसकी आंखें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन आंखों में जो सुरमा है वो उसमें नहीं है। बताओ किसको लेके जाऊं? तू तो कभी भाव भी नहीं करता, जो चाहिए वो लेके जाना तू करम। तू का भाऊ, वो वाली, वो उठाओ। कौन है? हेलो, पामी का ढाबा, मुझे आलू पराठा चाहिए और दही ज्यादा। पुदीने की चटनी नहीं चाहिए, सिर्फ दही। अच्छा, उसमें मसाले के साथ ना लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े जरूर फ्राई करके। नहीं। अच्छा, एड्रेस लिख लो, बेक एफएम सेकंड फ्लोर कैंडल। अच्छा, जल्दी भेजना, बहुत भूख लगी है। ठीक है, कौन था? तेरा नाम क्या है? क्यों बड़े मियां, आपने तो रखा है। गोवा में आलू पराठा खाने वाले लोग भी है, कमाल है। हेलो, लंच हो गया? नहीं, मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। हाँ, क्या ऑर्डर किया? आलू पराठा।
I mean, how do you manage so many calories here? Come on, नीचे soup and salad canteen. Come. नहीं. Are you sure? Mm-hmm. Fine. Miss by ish, Dorka, kiss, Dorka, chipot, lovely girl, and kin, good, Sarasar Govinda, it up. Haldi lag gayi. तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया. पीछे मुड़ के मत देखना. जहां जा रही हो वही तुम्हारा स्वर्ग है. समझी ना? वाइन पिएगी? अच्छा रहने, पेट में जाने के बाद पी ले. ये देख, ये है ना, ये मैं. एक! अरे अरे, बिना सजाए डोली चढ़ा दिया तूने. अरे उसने बोला था कि फोकट की पगार लेता. अरे फोकट की पगार किसका बज रहा है? तेरा मेरा. हेलो हेलो, मेरा आलू पराठा अभी तक नहीं आया. हाँ, मेरा आलू पराठा अभी तक नहीं आया. आलू पराठा? वो हलवा आलू आ जाएगा घर में. क्या? What nonsense? What nonsense? वो तो आप कर रही है. इधर मेरी पापलेट खाम का सती जा रही है. भाड़ में गई तुम्हारी पॉम्फ्रेट. अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, भाड़ में गई पापलेट मेरी इसकी वजह से. अगर पराठा पहले नहीं भेजना था तो बोलना था ना. क्या? अरे बोलना था ना कि पार्सल नहीं भेज सकता. लेकिन फोन करने के बाद अगर पूछती कौन बोल रहा है. ये पम्मी के ढाबे का नंबर नहीं है. ये पम्मी के ढाबे का नंबर नहीं है. नाउ यू कैन से सॉरी. सॉरी माय फुट. तेरी बीवी तुझे सॉरी बोलती होगी. मैं क्यों सॉरी बोलूं? पहले रॉन्ग नंबर नहीं बोल सकता था क्या? ब्लडी फ्लर्ट. फ्लर्ट? आई एम फ्लर्ट. कम ऑन, माइंड योर लैंग्वेज. डोंट से फ्लर्ट, आई नेवर डिड दैट. अरे एक तो रॉन्ग नंबर तुम लगाओगी और ऊपर से मैं सॉरी बोलूं. तू मान मुंडी मत छिला, घुसाड़ दूंगा. मेरा घंटा बर्बाद कर दिया, भूख लगी है मुझे. तो फिर जाओ ना, अपने मियाँ का दिमाग खाओ ना. वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुन के उसका वो दिमाग सिकुड़ गया होगा. खाएगी क्या? हेलो, हस्बैंड पे मत जाना. माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है तुम्हें? हे, माँ बाप का बात मत. देखो पहले जाके फोन कैसे करने का वो सिखो, समझे ना? बाद में मैंने सिखाओ मुझे. शट अप. यू शट अप. यू शट अप. यू रास्कल मेस्ड अप एवरीथिंग. Everything you get. What? I'm not talking to you. Okay? Keep your phone down. You keep the phone down. अरे फोन पहले तुमने किया है ना, तुम पहले रखो. नहीं, पहले तुम रखो. मैं नहीं, तुम रखो. तुम रखो. Idiot. मैं सच कहता हूँ, आज के दिन मैं अगर तुम्हारा मदद कर दूँ ना. What? मुझे कोई सजा नहीं. समझा कि नहीं? क्या? तेरे मामा का लव रोमांस. किसी बिचारी गरीब का रॉन्ग नंबर लग गया और तुकाराम सर लग गए क्लास लेने. Hello. Hello. You like my voice, huh? Shut up, you creep. ये तरीका है औरत से बात करने का. वही तो. फोन पे एक औरत के साथ दो मिनट बात नहीं कर सकता ये आदमी. जिंदगी भर क्या झेलेगा किसी को? अरे औरत है, शूर्पणखा का है. बीवी के बारे में बोल रही थी मेरे. अल्लाह मामी कंसल्ट किया. तुझे छोड़ना मत उसको. ए मामा, भूख लगा तो आलू पराठा ऑर्डर करूं क्या? मार खाएगा क्या? Very, very sorry. Oh, how sweet. Very, very decent, huh? अगर पहले ही wrong number बोल देता तो क्या कम decent हो जाता था? Yeah, normal human being make mistakes. Sorry तो बोल रहा था. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे लड़कों को जानती हूँ. पहले बोलेंगे I'm sorry, फिर बोलेंगे What's up, babe? फिर बोलेंगे So, what you wearing tonight? मदरा, तुझे पता है तेरा problem क्या है? You just hate men. तुझे लगता है कि सब मर्द एक जैसे. No, exactly. Yeah. That's not true. You didn't hear him on the phone. मेरी आवाज को irritating बोल रहा था. मेरी आवाज को. People love my voice. फिर कहता है, जा अपने husband का दिमाग खा के आ. मतलब how can you talk about someone's husband like that, yeah? Exactly. How dare you talk about your husband like that? Even though she doesn't have a husband, but how dare you talk about your husband, huh? See, that's not cool. Stop taking it so personally. Okay now. Yeah. Talk what? No, Nikki. He's just no, saying. No, yeah. He said sorry. What do I talk to him? Just anything. Just talk. फोन है. किसका? आलू पराठा.
ए सॉरी बोल रही है, मेरी थी भूख लगी थी, बात करना। हेलो हेलो मैं वो आलू पराठा। हाँ यस क्या है? I'm also sorry. I'm also. What do you mean? मतलब I'm sorry? नहीं it's okay. It's okay. Actually मैं मुझे बहुत भूख लगी थी वो मैंने मतलब अरे नहीं चलता वो क्या है मैं भी पॉपलेट को सजा रहा था this idiot made me out of it. पॉम्फ्रेट? नहीं कुछ नहीं. Okay. हाँ वो मैंने आपकी बीवी को बहुत गलत सलत बोला ना उसके लिए आप मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। ठीक है वो शादी होने के बाद बीवी आएगी तो उसको मैं आपकी तरफ से सॉरी बोल दूंगा। वैसे तो मैंने भी आपके हस्बैंड के बारे में भला बुरा बोला। नहीं मेरी भी शादी नहीं हुई। ओके हाँ ओके बाय। अच्छा बाय। जस्ट अ मिनट। अरे दया या ये वो आलू पराठा का नंबर आपके पास है? व्हाई यू आर लाफिंग? नहीं मैम रियली आई एम सरप्राइज कि गोवा में आलू पराठा इस तरह का मिलता है तो आई वाज लिटिल सरप्राइज। रियली इज इट ट्रू? वेरी ट्रू। ओके कैन यू गिव मी दैट नंबर? ओके वो आप ही का नंबर है मगर लास्ट डिजिट जो है ना वो 8 है। 8 ओके थैंक यू गुड नाइट। ओके पागल है आलू पराठे वाला नंबर मांग रहा है। तू तो उसको शादी की डिटेल क्यों दे रही है? पागल है ये थोड़ा। आई एम टेलिंग यू ऐसे ही होते हैं लड़के। मतलब पागल लोगों को शादी के बारे में बता दिया। वेरी नाइस। व्हाट अ पराठा। आई एम इंप्रेस्ड। इट्स नॉट दैट इजी। कलाकार है बावर्ची का। इसको भी घर ले चले। मजाक कर रहा हूँ। नहीं एक को पाल के रखा है ना हो गया। थैंक यू बोलो। छोटू थैंक यू वेरी मच। अरे उसको नहीं छोड़ू फिर जिसकी वजह से आए हैं। अरे बोलो सरिंगिंग। हेलो कर दिया। हेलो यस हाय आपने फोन किया था? हु इज देयर? मैं आलू पराठा। हाय सॉरी मैं आपका कॉल नहीं ले पाई। आई वाज एट वर्क। नहीं 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 आई जस्ट कॉल यू टू से थैंक्स। आपके पम्मी के ढाबे पे जाके आया मैं। चलो किसी के नसीब में तो आया था वो पराठा। तो आप बता कैसा था वो पराठा? वंडरफुल वंडरफुल। वो पराठा चबाते हुए लहसुन के और अदरक के कुछ टुकड़े दांत के नीचे आ गए। ऐसा लगा कि बचपन की गर्मियों की छुट्टी में कड़ी धूप में खेलते हुए अचानक ओले गिरने लग गए। आलू पराठे का ऐसा डिस्क्रिप्शन मैंने कभी नहीं सुना। मैंने भी आलू पराठा का ऐसा डिस्क्रिप्शन पहले कभी नहीं किया। सो परफेक्ट था वियर्ड भी था। लेट मी गेस आप शेफ हैं या फिर पोएट? Right? I love food and I love poetry, but actually I'm an archaeologist. Archaeologist? That's interesting. Lucky hai. Abhi tak mitti mein khelne ka chance milta hai. Haan, khoya hua bachpan dhoondta hoon. Aap kya karti hai? I'm an RJ. RJ? Haan, jo radio pe bolte hai na. Okay. Matlab gaane ka maro, patar patar karne ka jo aap jada karna padta hai, wo karti hai aap. अगर आप मेरे पटा पटा से बोर हो गए तो मैं फोन रख दूं? नहीं आई एम जस्ट जोकिंग इडियट। एक्सक्यूज मी नॉट टू यू देयर आर 3 इडियट्स इन माय हाउस। ओह हाय हाय। वैसे आपकी आवाज उतनी खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब? मतलब इट्स वेरी नाइस आई लव इट। थैंक यू इंडियाना जोन्स।
Indiana Jones. Oh. You said something? Oh, aloo paratha wala. He's crazy. Oh, I'll get you a coffee. Thank you. वैसे can I ask you something? I'm very curious. बिल्कुल. ये pamphlet का क्या चक्कर है? Pamphlet? It's actually I don't know whether I should tell you. Normally what happens, you know, whenever I'm frying this fish, उसके पहले मैं उससे बात करता हूँ. You know, एक last talk होता है. परलोक सिधारने से पहले वो मच्छी से बात करो तो बड़ा अच्छा होता है. ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है. That's why. Otherwise there is no any particular reason behind it. अब मुझे पता चला कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई है. क्योंकि आपका फेयर तो खाने के साथ है. खाना एक्चुअली पसंद, मतलब खाने का हर जायका जो है मेरी यादों से जुड़ा हुआ है. अगर मैं अचार खाऊं तो नानी की याद आती है. मूंगफली की चटनी खाऊं तो माँ की याद आती है. थप्पड़ खाऊं तो पिताजी की याद आती है. मतलब ये जायके जो है मेरी यादों की पगडंडी है. और मतलब फ्रूट केक खाऊं तो नरोना आंटी. अमेजिंग. One second, did you say fruit cake? Yeah. I love fruit cake. Really? हमारे बगल में रहती थी नरोना आंटी माहिम में. ओ, जिस तरह का फ्रूट केक वो बनाती थी, ओ हो, कहीं नहीं खाया मैंने आज तक. Do you know the recipe for it? ओ, बिल्कुल मालूम है, सच कहता हूँ, लेकिन Can you share it with me? You want me to share this recipe with you? If you don't mind. Actually, okay. Thank you. By the way, आपका नाम? ना. Yes. I'm Madhura. Madhura. Very old style. Mine is very modern. Tukaram. Okay, bye. Tukaram. Did you just say Fukaram? Tukaram. Who the hell is he? Arey, that aloo paratha guy. Okay, so 21st century BC, ladies and gentlemen, she's Madhura, he's Tukaram, and I am the Lambari Devi. The Lambari Devi. Tukaram. अजनबी अजीब सा है ये इंतजार. अजनबी अजीब सा है ये इंतजार. ओ अजनबी क्यों आज दिल है बेख्तियार. अजनबी ये दिल क्यों झूमे बेवजह. अजनबी है मन क्यों महका सा. तेरा मेरा नाता इसको कहे क्या बता. कह दे क्या तू मेरा लगे. कह दे क्या तू मेरा लगे. अजनबी अजीब सा है ये इंतजार. अजनबी क्यों आज दिल है बेख्तियार. ये मुर्गा बनाने का तरीका अच्छा है. हाँ अच्छा है, मतलब पहले मुर्गे से दोस्ती करनी पड़ती है फिर बाद में चाहे. सुनो, मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी चढ़ गई है. होता है कभी कभी ऐसा. पर मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों पिलाई है. क्यों? तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना. फोन पे. क्यों नहीं? You do have a sexy voice. What did you say? Stupid. कुछ नहीं. नहीं नहीं बोलो क्या.
बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। गॉड। विक्टर। हे विक्टर। मेरी आवाज कैसी है रे? डेंजर। चल सो जा। कभी कभी बेशर्मी भी भाई, कभी कभी दिल मेरा परेशान, कभी कभी मैं भूलूं दिशाएं, गूंजते ख्याल है, सो गए सवाल है, तेरा मेरा नाता इसको हेलो। हेलो। आपका नाम? तुकाराम। कन्फेशन या कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन। क्या कन्फ्यूजन है? कल रात मुझे किसी ने कहा कि मेरी आवाज बड़ी सेक्सी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सच है? आप तो आवाज की महारानी है। हरिदया, डू यू थिंक माई वॉइस इज सेक्सी? मेरे लिए तो आपकी आवाज ओके ओके है, पर शायद जिसने आपको सेक्सी कहा उसके लिए सेक्सी होगी। ओके ओके। अ नेक्स्ट सॉन्ग तुकाराम के लिए और उसके लिए जिसको आपकी आवाज सेक्सी लगती है। इधर क्या कर रहा है? चल अंदर जा, सो जा, आराम कर। चल। मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ उधर ही ना। उधर किधर? गुड मॉर्निंग गोवा, गुड आफ्टरनून गोवा, गुड नाइट गोवा। सच बोलना, कंफ्यूजन या कन्फेशन? क्या मजाक कर रहा है? क्या ना मामा, सबको पता है। सबको? ए, मतलब मुझे। मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो मैं कौन सा दूसरी बार जा रहा हूँ? मामा ने बोला इमरजेंसी के लिए मॉरल सपोर्ट। क्या ना, इस मामले में मेरा पीएचडी है, मेरे को मालूम है। मैं चलूं? हाँ। ए, 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 ए,
अरे तुम इधर क्या कर रहे हो पुत्र? तू क्या दोस्त हूँ तेरा, सुख दुख में साथ रहना चाहिए ना। हाँ, हाँ इस मनहूस को उतार देते हैं। योर चॉइस। बेस्ट ओके थैंक यू। क्या हुआ इतनी जल्दी की? नहीं हा? वो मैं बाद में उनसे फोन करूंगा, बात करूंगा, अभी चलते हैं। बाद में क्या 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 हुआ? कुछ नहीं, अभी चलते हैं। ए मैं मतलब आज तक कभी ना से मैं डरा नहीं, पहली बार। मामा क्या डर लग रहा है? वो अगली निकलेगी हा? नहीं अगली की बात नहीं है, जरा अरे ब्यूटीफुल की बात है, उससे भी डर लगता है। समझता नहीं बच्चा है, डर लगता है। तो क्या तू ना ये हार मानने की आदत को बदल दे, बी ब्रेव इन लव मित्र, कम ऑन। ये हार मानने की बात नहीं है, मक्का है ये सब, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा ना, चल मैं जाके देखता हूँ मामी कैसी है, मैं आके बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हम निकलते हैं, हम बाद में बात करता हूँ यार, मैंने बोल दिया, कोई जरूरत जाने देना उसका, तुझा बात कर, कोई जरूरत नहीं। ठीक ठीक चलो ओके जाने दो, जाएगा सब सेट करके आएगा। तू लंबी सांसें ले, ब्रीथ माय फ्रेंड, लेट लव हैपन। जब से पैदा हुआ मामू तब से सांसें ही तो ले रहा हूं यार, दूसरा कुछ किया ही नहीं। पागल है कुछ बोल देगा वहां जाके। लव से एलर्जी क्यों है तुझे? जस्ट आस्किंग। वैसे एलर्जी तुझसे भी है, फिर भी रहते हैं ना साथ में। क्यों हंस रहा? क्यों हंस रहा? तू क्यों हंसा? हाँ गधा, चलो तक। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मधु रा मधु मधु मधु, I will hold you because you are अब तो मेरी जाल में फंस चुकी हो, like bird, excuse me क्या? By any chance, are you Tukaram? Hi, I'm Sid. I mean, Sid. Tukaram. Hi, Madhura. Do I look like uncle? मतलब मैं अंकल जैसा लगता हूँ? No, no, बिल्कुल। It's okay, it's destiny. अंकल बुलाया किसी ने? मुझे? अंकल कैसे बोलेगा कोई?
काफी टाइम हो गया ना उसे गए हुए। अच्छी तरह इंटरव्यू ले रही होगी। हमने ठीक किया ना निकोल को भेज के? मेरे को मालूम नहीं था रेडियो स्टेशन पे इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। मुझे भी मालूम नहीं था इतने कम उम्र के लोग आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उम्र का आर्कियोलॉजी से क्या लेना देना? Well then, looks का रेडियो स्टेशन से क्या लेना देना? Right. Sorry. यार, I know मैं काफी confused and lost लग रहा हूँ। I mean to be honest, जब हम दोनों ने मिलने का फैसला किया, तो मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतनी तू ना खूब सुंदर दिखती। नहीं, मैंने सोचा था कि शायद तू उम्र में बड़ी क्यों? I mean तुम्हें आंटीज पसंद है? What? I mean you were probably were expecting some auntie type girl maybe. हाँ, नहीं मतलब मुझे is that तुम मेरे मामा से मामा से नहीं मामी तुम्हारी आवाज मेरी मामी से मिलती है। That's what I actually wanted. Really? Yeah. मतलब you mean to say मेरी आवाज इतनी बुड्ढी साउंड करती है? नहीं मेरे मामा एक्चुअली छोटे हैं। नहीं, मेरे मामा मुझसे छोटे हैं। तुम ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? नानो हाँ, मतलब कोई मातम हो गया है, ऐसा मत करो। He will come back. जाके देख के अंदर क्या कर रहा है। Just ask him to come out. आएगा Don't worry. Breathe. हाँ हाँ she's come. क्या हुआ? It's damn funny. बताती हूँ. चलो Excuse me. You left your glasses. Oh, thanks. Yeah, hi. What is your name? Dimpy. Thanks. क्या बोल रहा हूँ? देखा कैसी है? हाँ कैसी है? चल क्या हुआ? क्या है रे मामा? हाँ वो देखा नहीं अभी घुंघराले बाल वाली गई? कौन? मैंने नहीं। कौन? अभी तो वहां बात कर रहा था वो। अरे वो नहीं, फिर अभी गई ना मामा। आप गाड़ी चलाओ, मैं घर जाके बताता हूँ। मतलब वो अंदर नहीं है? नहीं है, कोई नहीं अंदर। अभी चले। What? Are you sure? Yes, mom. He was not just young, मतलब एकदम kiddish था। वो होता है ना college boy flirt kinds. He just went on about me like how beautiful you are, how beautiful your purple hair is, and how beautiful are your eyes. मतलब तुम्हारी smile। पक्का है वही था। Mom, पूरे cafe में ना एक ही तुकाराम नाम का आदमी था, and वो भी archaeologist, I'm sure. And उसको पता था that I'm an RJ. In fact, बोल रहा था मुझे नहीं पता था कि रेडियो पे भी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती है। See, is that a way to flirt? उसको देखकर लग रहा था कि he's just hit the jackpot. पर फोन पे तो बहुत sensible sound करता है। Mads, he was anything but sensible. In fact, बोल रहा था फोन पे तो तुम्हारी आवाज आंटी जैसी लगती है। आंटी जैसी? Yeah, I mean, dude. हाँ, एक सेकंड के लिए तो मुझे डाउट हुआ। मैंने उसे पूछ भी लिया एक्चुअली, आर यू इनटू आंटीज एंड ऑल। और उसके बाद बोलता है नो। उसके बाद बोलने लगा कुछ मेरा मामा मुझसे छोटा है, मामी उससे छोटी है, नानी बड़ी मॉडर्न है। आई डोंट नो, ही वाज ब्लैबरिंग समथिंग, बट बेसिकली ही वाज जस्ट फ्लॉर्ड। मॉम, आई थिंक बॉटम लाइन इज ही वाज फिशिंग फॉर समथिंग एल्स एंड ही गॉट दिस। तो ऑब्वियसली ना, यू नो, हाँ पता ही था मुझे थोड़ा सा हो जाएगा मेरे को देख के। आई डोंट नो, ही जस्ट कुडंट थिंक एंड टॉक, कुछ भी बोले जा रहा था। मैं आ गया के बैठू? हाँ दत्तू पीछा के बैठ जा। सॉरी मैडम, एक बार और रियर व्यू में देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगी मैं। सॉरी मैडम।
Sam, it's okay. रेडियो पे तो काफी मैच्योर साउंड करती थी। हेलो, ए मामा, आरजे है वो, आरजे। उनका सारा काम यही होता है, सारा का सारा खेल आवाज का है। क्या और हाँ, मैच्योर थी वो, लेकिन उम्र से आपसे कहीं ज्यादा छोटी है। तो कैसा लगा? नहीं तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा में भी 15 साल का एज डिफरेंस था, पैदा हुआ ना मैं। व्हाट लव टकली हनी संग तो मैं तुला तो क्या मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? मत समझा, रहने दे। पिक्चर ठीक है, अभी मामा का शादी वैष्णवी आंटी से हुआ होता, उनका बेटी उसकी उम्र की होती, अभी वो चलता। टिपिकल 20 ईयर ओल्ड, ये ऐसा वो शॉर्ट स्कर्ट, इट्स परफेक्टली नेचुरल फॉर वेयर, बट बोथ ऑफ यू, आप दोनों एक फ्रेम में गलत, वो ऐसे अजीब है वो, इट्स नॉट अ मैच। सो फाइनली तुम उससे मिले ही नहीं, क्यों? तुमसे उम्र में छोटी है इसलिए? बहुत। एक बार मिल तो लेते तुकी। हाँ? एक बार मिल तो लेते। और क्या अपने आप का मजाक उड़ाता, कहीं अंकल करके पुकारती तो। Are you okay? Come on, don't try and fool me. I know you. मुझसे प्लीज झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलूं? दर्द तो होगा, थोड़ी तकलीफ भी होगी। ऐसे में जब पहले अकेला था, अब तन्हा हो गया, जैसे कोई सीधा साला, दिस लोनलीनेस इज एन अनवांटेड फ्रेंड, ना बुलाओ तो भी चला आता है। Welcome back to Late Night Conversations with me, Madhura. Brought to you by LG Hing, जो बढ़ाता है तड़के का स्वाद. और हमारे अगले कॉलर हैं. Hi. Hi. आपका नाम क्या है? I'm Suresh. Hi Suresh. कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ. आज ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया है और उसने हाँ कह दिया. Congratulations. Thank you. Hello. हम बहुत खुश हैं आपके लिए. हम दुआ करेंगे कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए और आपकी मैरिड लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे. थैंक यू. मैं एक गाने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, श्री 420 का प्यार हुआ इकरार हुआ. चुचु का यानी मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट गाना है. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपना प्यार मिल गया है और मैं दुआ करता हूँ कि दुनिया में सबको अपना प्यार मिल जाए. आई लव यू चुचु. सुरेश जी, हम बहुत खुश हैं कि आपको आपका प्यार मिल गया, पर ये दुनिया भर में एग्जीबिशन करने की क्या जरूरत है?
एक्सक्यूज मी, नहीं आपको आपका प्यार मिल गया है ना, चूचू को भी उसका प्यार मिल गया, ठीक है ना? अब ये दुनिया भर के लिए दुआ करने वाले आप होते कौन हो भाई? एक्सक्यूज मी, लेकिन आप ऐसे बात, मतलब हमारे हजारों ऐसे कॉलर्स हैं जो कि अकेले हैं, मगर वो अपने अकेलेपन के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आई लव यू चूचू से दे फील मोर लोनली, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती क्या? नहीं नहीं वैसे, नहीं वैसे उसका नाम क्या है, चूचू? तो उसके डॉगी का नाम क्या है? ममता सुरेश। देखो लिसन, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। हां सुरेश, आप क्यों नहीं अपनी चूचू के पास पर्सनली जाकर उसे ये गाना सुनाएं? अरे ठीक है, हेलो आप ऐसे। हमारा अगला गाना उन कॉलेज के लिए है जो अकेले हैं मगर खुश है अपने अकेलेपन के साथ। मैंने फाइनल रिपोर्ट तैयार किए हैं, एक बार देख लो। वैसे दिल्ली कब जा रहे हो? तुकी? Yes, I am listening. No, you're not listening. What's wrong with you? Why don't you just take a break, go to Mumbai or something? Why you are getting so hyper? I am absolutely okay. No, you're not okay. Okay, whatever. तुम्हारा भांजा क्या कर रहा है यहाँ? जवानी का सबसे बेहतरीन खेल खेल रहा है, किलिंग टाइम। What? Impossible. God. Not going to office today? नहीं, वो प्रोड्यूसर ने एक हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए बोला है। That's great. Then go to a spa or something. Go pamper yourself. Nikki, I'll see you in about an hour. Bye. Bye. Did Tukaram have a Facebook page? I mean, Tukaram ki Facebook profile thi? Nahi, wo Facebook pe believe nahi karta tha. In fact, maine usse bataya bhi tha ki tumne meri ek Facebook profile create ki hai. But we never connected on that. Okay. Now, Smita Gokhale, history professor. Marital status, never married. Promising. Problem asne. About me, shaadi kabhi hui nahi kyunki koi interesting mila hi nahi. Wait till she meets Tux. Our Tux, yes. Apeksha hai ek aise aadmi ki jo shant ho, samajhdar ho, jo khane mein ruchi rakhe. Shant ka to pata nahi. Samajhdar aur khane ka point match hota. Perfect match hai. Aur kitabein pasand ho. Haan, kaisi kitabein? Kitabein jaise... जैसे ठीक है क्या, जैसे श्री शनि महात्म्य, संपूर्ण चतुर्मास, अखंड सत्यनारायण कथा और है, संपूर्ण विष्णु पुराण, बालाजी पुराण, हरिवंश पुराण, श्री शिव चालीसा, तैत्रीय उपनिषद। कौन पढ़ता है? काशी में लॉज बुक कर लेना हनीमून के लिए। हाँ क्या कर रहा है इधर? सीनियर मैनेजमेंट ने कहा है कि फायर मधुर, बट आई टोल्ड देम शी इज आवर बेस्ट आरजे एंड शी इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो प्लीज रीकंसीडर। थैंक्स। लेकिन फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए ना मधुरा। देखो अगर तुम चाहो तो थोड़े दिन और छुट्टी ले सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी विल मैनेज। मैं ठीक हूं। डिनर पे चले? I mean, I don't know कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड इट्स नॉट माय बिजनेस,
लेकिन एक दोस्त होने के नाते, एक कलीग होने के नाते मुझे लगता है मैं बात करनी चाहिए इन चीजों के बारे में। सी 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। देयर शुड बी डायलॉग, देयर शुड बी कम्युनिकेशन। पर अचानक आउट ऑफ द ब्लू, तुमने तो कहा बड़ा खड़ूस आदमी है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। देखने में कैसा है? Not bad. Divorced? बच्चे? No. Then take a chance. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से खड़ूस और अंदर से अच्छे। क्या पता जिसे तुम सारी दुनिया में ढूंढ रही हो वो शायद तुम्हारे पास ही हो। एक बार मिल लो, बात कर लो। What have you got to lose, darling? You're beautiful. दोबारा चांस लेकर तो देखो एक बार। Come on. कभी आंखें थकती नहीं तुम्हारी? God knows what she keeps watching the whole day. निकी पता नहीं क्यों एक बार तुकाराम से बात करने का मन कर रहा है। निकी फोन पिकअप नहीं करना तो ऑफिस में क्यों आया? सॉरी, कुछ बोला क्या? नो, ओके। हेलो। हाय। हाँ बोल। बोल, तू बोल। अरे तूने फोन किया है, तू बोल। मिस कॉल आया था। मिस कॉल? मैंने तो ओ हाँ मैंने बोला था ना मिली थी जब कि कॉल करूंगी। सो हाँ बोल। तो कब मिल रहे? मुझे नहीं मिलना तेरे से। अरे उस दिन रेडियो स्टेशन पे। हे नहीं 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 नहीं, रेडियो स्टेशन मत आइयो। ओके कहीं और मिलते हैं। आई विल गिव यू अ कॉल देन वी विल मीट। ओके अच्छा सुन, हेलो। हाँ एक काम कर, ये नंबर टेम्परी है, मैं दूसरे नंबर के साथ ठीक है उस पे कॉल। ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ बोल। 9 8 3 3 And listen, मैं भी किसी और नंबर से कॉल करूंगी। आई ऑल्सो हैव अ प्राइवेट नंबर, सो इस नंबर पे कॉल मत करना। हाँ ओके कॉल मी एंड रेडियो स्टेशन मत आना। ओके नहीं होंगे। लिसन आई वांट टू tell you something. What? You are very beautiful. खाने की जगह आए हैं तो खाने से ही बात शुरू करते हैं। क्या लेंगे आप? लाइम सोडा। ये तो पीने के लिए हो गया, खाएंगे क्या आप?
जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं घर का ही खाना पसंद करती हूँ। आई प्रेफर होममेड फूड। ओके, मतलब आप खुद पकाती है? नहीं, काम वाली है, लेकिन उसे पता है मेरा टेस्ट, यू नो, नो शुगर, नो मसाला, नो ऑयल। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। व्हाट कैन आई गेट यू? गेट मी फर्स्ट फ्रेश लाइम एंड सोडा। विदाउट शुगर, विदाउट आइस। नींबू चलेगा? यस, नींबू चलेगा। ओके सर। Yes. I've booked a table in my name, Danny. Yes, sir. This way. Come. Thank you. Please. अच्छी जगह है ना? Yeah. You know, ये मुझे यहाँ की सबसे romantic जगह लगती है. It's nice. So, any drinks to start the evening? Nahi, I'm so Come sorry. Come on, Madhura. First date ka tradition hota hai. A glass of wine. So, glass of wine? Actually, no. Mujhe bhook lagi hai. I mean... Kuch khane ke liye mangwa le? Sure. Here's the menu. Like to have chicken chops. Chops? Chicken chops is very... I'm a vegetarian. Okay. Chicken fruits? Ji? Eggs? Eggs khati hain aap? Nahin, nahin. Okay. I'll have chicken chop. Chicken? Chop? Ha, ye Bengali dish hai. मस्टर्ड के साथ। I really like it। हाँ, लेकिन मधुरा ये तो मेन कोर्स है, ऐसे कैसे मुंह में ठूस लोगी शुरुआत में? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। It's cool, totally fine. Waiter, yes sir, a glass of single malt on the rocks for me and Caesar salad and chicken. Okay, chop. Chicken, really? Yeah. कुछ तो बोलो। उर्मी तो बोल रही थी कि आप बहुत रोमांटिक हो, पत्थरों से भी आप रोमांटिक बातें करते हो। मुझे तो कब से जानती हैं आप उर्मी को? उर्मी कॉमन फ्रेंड है, 6 महीने से जानती हूँ उसे। मैं बरसों से जानता हूँ। अच्छा। शी इज माय बड़ी, सब कुछ जानती है मेरे बारे में। अभी भी जहां भी बैठी होगी उसे मालूम होगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना नर्वस हूँ। नर्वस? नर्वस किस लिए? एक्चुअली नर्वस नहीं है, लेकिन नर्वस ही हूँ। मैम, योर चिकन चाप। थैंक यू। वाओ, कैलोरीज तैर रही हैं इसके अंदर। यू नो, वो कहावत सुनी है तुमने, जिसमें तैरते हो उसी में डूब जाते हो? ये वैसे ही लगता है मुझे, सुसाइड। क्या है मधुरा? प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, आपको 10 बार बोल चुकी हूं मैं। जी। आई वॉन्ट टू कन्फेस, कुछ कहना है। हाँ हाँ। मेरे अंदर कोई और है, यहाँ है, थी है, है। मैं भूल नहीं सकता उसे और निकाल भी नहीं सकता। Have you heard that Buddhist philosophy? You are what you eat. मुझे नहीं लगता कि तुम कैलोरीज बनना चाहते, do you? I mean, अभी तुम ये खाओगी, फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा डिजर्ट खाने का मन करेगा, फिर तुम डिजर्ट खाओगी,
फिर धीरे 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 एक दिन दो दिन एक महीना दो महीना चार महीने बाद ऑलमोस्ट यू वॉन्ट फिट थ्रू द डोर। लाइफ में वैसे इतना बैगेज है, ये बैगेज भी लेके चलना पड़ेगा। यू नो मेरी एक्स वाइफ भी यही करती थी, जहां भी जाते थे यही सारा सामान खा खा के अपना मुंह ठूसती थी। बचपन अच्छा था, स्लेट पे कुछ लिख देते थे तो ऐसे थूक से पोंछ देते थे, इसे कैसे पोंछे। मेरे माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए, कभी कभी मैं बहुत हेट करता हूँ उनको। जब वो थे तो बड़ा सुकून था यहाँ, वही सुकून आज ये जो कोई है उसकी वजह से मिल गया मुझे। तो You know what? Bad idea, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। Exactly, exactly. वो भी तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। Let's have a few drinks, ठीक है? फिर चलते हैं यहाँ से। तुम्हारे घर या मेरे घर या कहीं और, गोवा में बहुत सारी जगह है। I know some very nice places. Ultimately, romance वही तो है। ये सब नहीं। You know what I mean? तो अगर तुम चाहो तो हम अभी जा सकते हैं। मे बी यू वॉन्ट स्टॉप ऑन द वे, गेट समथिंग, यू नो, स्पाइस अप। ओके, सो शैल वी? तो हमारी डेट खत्म? नहीं नहीं, यू आर सच अ ब्यूटीफुल लेडी, आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, दोस्त के नाते मिलते रहेंगे। ये दुनिया इतनी छोटी है, हम आसपास ही रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि मैं एक्सक्यूज मी वो सर आपको बुला रहे चाहता था, उर्मी की वजह से आया। विल यू प्लीज फॉरगिव मी? मेरा जहां मन करेगा मैं वहां पीऊंगी। यो प्लीज अ माय प्लीज। ओके, काम डाउन, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके सैम, इट्स जस्ट नॉट ओके। नो, ऑफ कोर्स नॉट। तुझे किसने यह हक दिया कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करे? क्या राइट है उसे कि वो मुझसे इस तरह से बात करे? क्योंकि मैं सिंगल हूँ इसका मतलब मैं अवेलेबल हूँ? हाँ, नो, ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं थक गई हूँ सैम। हर लड़के को यही लगता है कि उसके पास मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन है, मगर किसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम है? I'm not looking for just a man. I'm looking for a right man. Yes, and he's out there for you. Trust me, darling. वो मिलेगा तुम्हें. Have faith. क्या यही मेरी गलती है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? Is it a crime these days now? Not at all. एक लड़का मिला था बस, शायद मेरे लिए परफेक्ट था. He was warm, loving. मैं उसके साथ हंस सकती थी, अपना पन था उसमें एक. I felt comfortable. But he's too young for me. ठीक है, it's okay. वो किसी लड़की को बहुत खुश रखेगा. I'm just not that lucky girl.
कह रहे नदिया लास कैसी लगी? वंडरफुल। बारात की तैयारी करो, घोड़ी लेके आओ। ए तू क्या क्या झालक का है? तेरे से पूछ रहा हूं, फिर से रिजेक्ट किया? पिछली बार प्रॉब्लम था मूंगफली की चटनी पसंद नहीं है, इस बार क्या बैंगन करेला या तुम कुछ भी बोलो और मुझे कुछ ना लगे, मजाक उड़ाते रहोगे? मेरी अपनी एक स्पेस है ना, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना, मुझे भी कुछ लगता है ना। अब मुझे रिश्ते से डर लगता है, उसका मैं क्या करूं? डर इस बात का नहीं कि आने वाली लड़की मुझे सुख देगी नहीं देगी, डर इस बात का है कि मैं उसे सुख दे पाऊंगा कि नहीं। साशंक हूं मैं उसके लिए, अब मैं हूं ऐसा, उसका क्या करूं? उसका मजाक उड़ाओगे? इट्स नॉट राइट, इजंट इट? मेरा अपना एक इलाका है, वहां मत आओ यार। हर जगह अपना नाक वहां डालोगे, ये क्या है, ये क्या है, मत करो यार। तुमने दो शादियां की, पहली बीवी क्यों भागी, दूसरी क्यों भागी, ये कैसे हुआ? वो पूछा कभी नहीं पूछा? तेरा एक अपना है दर्द का बोझो, है ना कोना, उस कोने में जाने का मुझे अधिकार नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, आई मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नहीं है, नहीं बनता रिश्ता, उसको क्या करूं मैं यार? इतना सफर मैं अकेले तय किया, अब थोड़े चंद कुछ कदम बाकी है, उसमें क्या है? उसका मजाक उड़ाओगे? मेरे कान में एक मधुरा नाम की एक आवाज है, उस आवाज को मैंने एक आकार दिया है, धुंधला है, उसकी प्रतिमा मुझे नजर नहीं आती, लेकिन वो है। अब उसको ऐसे खुरेद के निकालोगे, निकालोगे, निकाल दिया, चलो अब ये दूसरी है, जाओ इसको मिल के आओ, इसको मिल के आओ, इसको, ऐसे कैसे चलेगा यार? निकालोगे तो दर्द होगा ना, खून निकलेगा, वो दर्द बांट सकोगे? चलो भाई लो ये 100 ग्राम तुम ले लो, 100 ग्राम तुम ले लो, 100 ग्राम तुम ले लो, ऐसा होगा क्या? नहीं होता है ना ऐसे। वो मेरा अपना दर्द है भाई, वो मेरा अपना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। साला कितनी बार ऐसे हुआ, आई वॉन्टेड टू क्राई फ्रंट ऑफ यू, तेरे कंधे पे रोना चाहता था साले, लेकिन मैं नहीं रोया क्योंकि मुझे लगा तू मजाक उड़ाएगा। अकेले में भी मैं नहीं रोता, आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि डर लगता है मुझे, साला कोई कहीं से देख लेगा, मैं नहीं रोऊंगा। See, this is what I am. मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। Can you understand? Be my friend. Come on. पाखी कहीं उड़ जाओ हो, यादों की पाती यहां नहीं लाओ। चुपने लगे झूठे नाते,
कब तक चलेगा ऐसे? किस बात से डर रहे हो तुम? वो ना कहेगी यही ना, कहने दो ना, कम से कम तुम्हारे सिस्टम से तो बाहर निकल जाएगी। दुखी, पत्थरों से इतनी आसानी से दिल की बात कह लेते हो, फिर उसे मिलने से इतना क्यों डर रहे हो तुम? तुम गलत हो। तुम उसे मिलते और ये फैसला लेते तो मैं समझ सकती थी, लेकिन तुम उसे आज तक मिले ही कहां हो? तुम्हें क्या हक बनता है उसके हां या ना का फैसला करने का? इट्स नॉट राइट। बी अ मैन। कम से कम साथ गुजारे उन चंद लम्हों की तो इज्जत करो, एक बार जाके मिलो उसे। मिलने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार मिलो तो। दुखी, उठाओ वो तुम्हारा डब्बा और फोन करो उसे अभी। कमान कमान, आप मूव योर बॉडी। सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। मधुरा, तुम्हारा फोन है ना? हेलो, तो काराम का है? तो उठाओ। नो निकोल, यू स्टे आउट ऑफ दिस नाउ। उसे हैंडल करने दो। Wrong with you? मधुरा, एक बात समझ लो, तुम किसी भी आदमी से मिलोगी उसमें तुम तुकाराम को ही ढूंढोगी, एंड दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर ऑन यू, एंड दैट्स नॉट फेयर ऑन ऑल द मेन यू विल मीट। यू अंडरस्टैंड? एक बार खुद उससे मिलो, बात करो और फिर अपना डिसीजन लो, और वो डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। समझी? Call him. अब तुम्हें क्या हुआ? Nothing. Just looking so distracted all the time. Come on, what have you done? Tell me. You're up to these days, Nikki. Honestly. मैं तो आराम से मिलने जा रही हूँ। St. Augustine Church? I'll come. No. इस बार मैं अकेले जाऊंगी। Thank you. उधार रखने की आदत नहीं है मुझे। हाँ।
मदुरा से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, इस बार उस बार जो होगा सो होगा, ना से डर नहीं लगता अब, और हाँ की गुंजाइश नहीं है। चल देर हो गया। You can do it. Yes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hello? 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 Hi. Hi. यार मैं पहुंच गया हूँ। या मैं भी यहीं हूँ। कहाँ? I'm here, right behind. Hey, तो listen ना, मैं भी यहीं हूँ। मैं सर्कस के बीच में हूँ बिल्कुल। या actually I can see you. हाँ? What? यार सुन मैं। मधुरा please मजाक मत करो। नहीं। बाहर आ जाओ। Listen. Yeah. I actually wanna tell you something. Yeah, I know. I wanna tell you something too. और मैं तुमसे बहुत चीजें बोलना चाहता हूँ, काफी चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे पहले बताना है, फिर हम मिलेंगे। क्या? प्लीज आई ओके 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 आई टेल यू। हाउ विल यू रिएक्ट अगर कोई तुम्हें झूठ बोले या तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक करे तो? विल दैट चेंज एनीथिंग? मधुरा प्लीज मुझसे मिल लो एक दफा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। आई नो, आई मीन हाँ मैं अंदर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। फोर्ट में मैं खुद ही खो गया हूँ। यार बट मेरे को मिलना एक बार प्लीज। आई मीन जस्ट टेल मी व्हाट शिट लेट मी गो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ यहाँ। हाँ काफी भीड़ है, पूरा गोवा आया हुआ लगता है। कोई आर्ट कैंप है, इट्स रियली नाइस। मतलब तुम पहुंच गई हो? हाँ यही हूँ मैं। यही हूँ मतलब क्या? पहना क्या है? ब्लू। You said blue. White dupatta. Nice place. Blue sky. No, listen. मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तुझे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं यार, गलती तेरी नहीं है, ये सारा कीड़ा मगज मारी मेरे वास्ते।
स्केट किया करो, तुम्हें बोल दूंगा तुम मेरी शक्ल नहीं देखेगी। अब प्रॉब्लम ही है ना, आई थिंक आई एम इन लव विद यू यार। मुझे ना, मुझे वो रोमांस वाला रोमांस नहीं पता, कभी हुआ नहीं, सो आई डोंट नो। लेकिन मेरे को ये मालूम है कि तू सटकी है और ये प्यार शहर वाले सारे सब सटके होते हैं। गलती गलत नहीं लगती, तू गुस्सा करती है, स्माइल मेरी टपक पड़ती है। तेरी जुबान और दिमाग के बीच फिल्टर नहीं है, तो तुझे बोलती है दिल से, तेरी बाइक की तरह फराटेज निकलती है। कोई रूल नहीं, कोई मैनुअल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, जस्ट फ्रॉम द हार्ट। मधुरा, जिस लड़की के लिए सब बोल रहा हूं मेरे सामने खड़ी है, तो क्या ना अभी फोन रखता हूं। आई वॉन्ट टू कन्फेस मधुरा, उस दिन मैं तुम्हें मिलने नहीं आया था, कोई और था। ना से डर लगता था ना, क्या करूं? आज कोई डर नहीं है, आज ना ही सुनने के लिए आया हूं। लेकिन एक बार मैंने जो आवाज सुनी है उसकी शक्ल देखना चाहता हूं एक बार, अगर तुम नहीं चाहोगी तो नहीं। वैसे भी एक धुंधली सी इमेज है मेरे मन में, वैसे ही रहेगी। कभी कभार तुम्हारे रेडियो स्टेशन पे फोन करके तुम्हें परेशान करूंगा, बेहुदा सवाल करूंगा, उसके जवाब जरूर देना। अब मेरा जवाब भी सुन लो। उस दिन जो तुमसे मिलने आई थी ना, तो अभी मैं नहीं थी, मेरी दोस्त थी। मैं मधुरा नहीं हूं, मेरा नाम निकोल है, ना ही मैं आरजे हूँ, ना ही मुझे आलू पराठे पसंद है, नॉर कैन आई कुक टू सेव माई लाइफ। या हाँ, मैं आई थी उस दिन तुझसे मिलने आज मधुरा, बट अब मुझसे मत पूछ क्यू एंड ऑल दैट, मुझे नहीं पता। अब उसके बाद बहुत स्ट्रेस हो गया यार, आई कांट लिव विद द गिल्ट दैट आई एम इन लव विद द सेम गाय मधुरा इज इन लव विद, एंड देन आई कांट टेक इट एनी मोर, सो हियर इट इज, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, दैट्स द ट्रूथ। अब तू प्लीज जाके मधुरा से मिल ले, प्लीज फाइंड आउट, सॉर्ट इट आउट, आई एम डन विद इट, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, वो मधुरा क्यूट है? हाँ? यार आई डोंट नो, जस्ट फाइंड हर आउट ना। मैं नहीं नहीं नहीं, आई टोल्ड यू शी इज शी लाइक टॉल शॉर्ट नॉट हॉट व्हाट आई मीन आई डोंट नो डूड, व्हाई डोंट यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, मतलब यही पे है ना वो यार, प्लीज गो। क्या ना, तुकरा मेरा मामा है, मुझसे छोटा नहीं बड़ा है, उसका नाम तुकरा है, मैं सिखा दूं। हम उसको बाइक चलाना आता है, ठीक है, तुकरा जो है ना वो उसको। वो क्या है ना कि जिंदगी में इतने अजीबोगरीब लड़कों से पाला पड़ा है कि मैं डर गई थी। मुझे यकीन होना चाहिए था कि तुम उनमें से नहीं हो। मधुरा, पलटो मत, हमारी जिंदगी का कितना बड़ा फैसला हमने दूसरों के हाथों में सौंप दिया, कितने बेवकूफ आधे अधूरे हैं हम, अपने डर से परेशानियां मोल लेते हैं। अब तुम पलट सकती हो। अगर पता होता इतनी खूबसूरत हो तो आज भी मिलने नहीं आता। ब्यूटीफुल।
इस मुंह से ना सुनना पसंद करूंगा मैं। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खूबसूरती और 10 ग्राम अदरक एक साथ कूटकर किसी के माथे पे लगा दो ना, जिंदगी बन जाएगी उसकी। नाउ यू कैन से नो। हो गया? यस। अब मैं बोलू? बिल्कुल। फोन पे जितना खाने की बातें करते हो ना, मुझे लगा था निकलोगे। तुम्हें तो खाना खिलाना पड़ेगा। और ये वाइट शर्ट हमेशा पहनते हो आज स्पेशल ओकेजन के लिए, इट्स नाइस। किमिया आ गया, वो भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये कोयल कितना अच्छा गाती है ना। ये कोयल नहीं, कोयला है। कोयल? मिस्टर कोयल। अरे अपने मिस्टर कोयल। अच्छा, प्रेमिका को बुला रहा था मतलब, तो उसके दिल में जो उमंग आती है।